हाय ऑल। सो जैसा कि हम PCOD और PCOS पे बात कर रहे थे और अभी तक हमने ये बात किया कि अर्ली मॉर्निंग और जो आपका ब्रेकफास्ट है वो कैसा होना चाहिए। सो ये जो आज का वीडियो है ये पार्ट 4 है उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सो हाय ऑल, दिस इज श्रुति एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट PCOS एंड PCOD। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू ईट, वॉट टू ईट, एंड यू नो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अर्ली मॉर्निंग एंड द ब्रेकफास्ट रिजाइम। होप यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज एंड यू गॉट सम बेनिफिट इफ इट ऑल यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, यू नो एटलीस्ट वन पार्ट और टू पार्ट और 10% ऑफ दैट। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेकफास्ट पे ही आज भी डिस्कस करूँगी। ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए वो तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया। ब्रेकफास्ट टाइम पे करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया। सो ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका पहला मील है, मतलब ब्रेक द फास्ट। ठीक है, आप जो पूरे सोते हैं रात, मतलब 6 से 8 घंटे या 10 घंटे, तो उससे भी 2-3 घंटे पहले अपना डिनर लेते हैं कम से कम, तो 10 से 12 घंटे के बाद आप खाते हैं जो हमारा नॉर्मल विंडो होता है। सो जब भी आप ब्रेकफास्ट में अपना मील और या मेन्यू कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप कार्ब स्किप करके हाई फैट एंड हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं यहाँ पे PCOD और PCOS से रिलेटेड ही बात करूँगी, मगर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। साइंस है इसका भी, फैक्ट है, मैं इसको नकार नहीं सकती, बट मेरे हिसाब से हम इंडियन थोड़े से डिफरेंट हैं और हम कार्ब ईटर्स हैं। सो हमें ब्रेकफास्ट में कार्ब्स जरूर लेने चाहिए। अब कार्ब का जो सोर्स होता है वो आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप डेफिनेटली वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लें, यू नो इडली जब भी आप बनाएं तो राइस की जगह आप डिफरेंट ग्रेन्स, यू नो लाइक मिलेट्स, ओट्स, कुछ भी उसमें इनकलकेट करें। जब आप पराठा बनाएं तो उसमें आलू स्टफ नहीं करें क्योंकि व्हीट फ्लावर एंड पोटैटो ज़्यादा, मतलब दो तरह का फिर कार्ब हो रहा है, तो उसमें कुछ स्टफिंग के लिए आप वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पनीर, दाल, सत्तू, इन सब चीज़ों का यूज़ करें। फिर कॉम्बिनेशन पे बहुत ध्यान दें। सिमिलरली अगर आप पास्ता खाते हैं तो आजकल यू नो मिलेट पास्ता इजिली अवेलेबल हैं, रागी नूडल्स, राइस नूडल्स इजिली अवेलेबल हैं, तो उन सब पे फोकस करें। और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि नॉर्थ में परांठा और चाय एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है, मेजर कॉम्बिनेशन है, उसको थोड़ा सा यू नो मॉडिफाई करना चाहिए। परांठा आप घर की बनी हुई हरी चटनी के साथ ले सकते हैं, घर का बना हुआ दही और रायता के साथ ले सकते हैं। परांठा आप डेफिनेटली दूध के साथ ले सकते हैं। सो आपको कैसे लेना है और किस चीज़ के साथ लेना है दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप इडली खाते हैं तो कोकोनट चटनी की जगह मिंट चटनी प्रेफर कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स की चटनी प्रेफर कर सकते हैं, उसी के साथ सांभर ले सकते हैं, या फिर जॉब सुंडल करी कहते हैं, यू नो वो द लेग्यूम्स यू आर बॉइलिंग इन मेकिंग करी आउट ऑफ दैट, लाइक चना, राजमा, ये सब ले सकते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मलयालीज, जब वो पुट लेते हैं, यू नो रेड राइस पुट ले सकते हैं वाइट राइस की जगह पे, पुट में कोकोनट और जागरी का कम यूज़ कर सकते हैं और पुट को फिर सुंडल करी के साथ ले सकते हैं। सो कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप पोहा, उपमा, दलिया कुछ ऐसा बनाते हैं उसमें कोशिश करें स्प्राउट्स, कुछ नट्स, कुछ सब्जियां, जो हरी सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करें और उसको हमेशा प्रोटीन के साथ क्लब करें। तो ब्रेकफास्ट में कार्ब, प्रोटीन, फाइबर तीनों होना चाहिए। कार्ब्स कहाँ से आएगा? कार्ब्स आएगा आपके होल व्हीट फ्लोर से, जो होल सीरियल्स या फिर होल ग्रेन्स हैं उनसे, या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा? दही से, दाल से, यू नो लाइक बॉयल चना, बॉयल स्प्राउट्स या स्टीम स्प्राउट्स या फिर रॉ स्प्राउट्स या फिर नट्स, उनसे, दूध, दही से, डेफिनेटली लो फैट डेयरी या फिर गाय का दूध बहुत अच्छा है या फिर उससे बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फाइबर कहाँ से आएगा? हरी सब्जियाँ, सो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उनसे। फ्रूट्स मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में क्लब करने को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करती हूँ लोगों को, जब तक कि आप कुछ रेडी टू ईट नहीं ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप ओट्स ले रहे हैं तो उसके साथ डेफिनेटली यू नो फ्रूट्स बहुत अच्छे से क्लब होता है। सो वो भी आपको आप ओट्स के साथ ब्रोकली या फिर शिमला मिर्च या गोभी तो क्लब कर नहीं सकते हैं ना पालक के साथ, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो द कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको अपने टेस्ट पे भी ध्यान देना है, टेस्ट बर्ड्स पे भी ध्यान देना है। सो फ्रूट्स आप तब इन कोऑपरेट करें जब आप कुछ रेडी, जैसे ओट्स ले रहे हैं, रागी ले रहे हैं, कुछ स्मूदी ले रहे हैं, तो उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं।
वरना मैं फ्रूट्स को हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले के टाइम के लिए परफेक्ट मानती हूँ, या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट मानती हूँ, या फ्रूट्स मैं मंच करने के लिए परफेक्ट मानती हूँ। सो सपोज आपके पास टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो जो कि मैंने पहले बोला था कि आप कुछ स्मूदीज ट्राई कर सकते हैं, सोक्ड ओट्स जो ओवरनाइट सोक करके रखते हैं दूध में या फिर दही में, वो ट्राई कर सकते हैं। चूड़ा या फिर इसको पोहा कहते हैं, राइस फ्लेक्स, वो आप ट्राई कर सकते हैं। मूढ़ी या मुरमुरा या पफ राइस, वो आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं, फिर लो फैट डेयरी के साथ, दूध या दही के साथ, जैगरी के साथ, ऊपर से थोड़े किशमिश के साथ, या फिर कुछ सीजनल फ्रूट्स के साथ। बनाना इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आप, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ पीसीओडी और पीसीओएस के लिए है। अगर आपको कुछ और कोमॉर्बिडिटीज या कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। लोग कहते हैं कि बनाना खाने से वेट बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बनाना कार्ब है, रोटी कार्ब है, इडली कार्ब है, राइस कार्ब कार्ब है, चपाती कार्ब है। सो आप कितना लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब कितना लेना है वो मैं इस वीडियो में ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपके हाइट, वेट, आपका जो आपका स्टेटस है, जो फिजिकल एक्टिविटी का स्टेटस है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो आप कितने एक्टिव हैं, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, उन सब पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है। जब जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो डेली वर्कआउट करते हैं, वो अगर ज़्यादा कैलोरी भी लेते हैं तो दे कैन बर्न इट, सो उनका फिर वजन नहीं बढ़ेगा। मगर लोग जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो सिडेंट्री हैं, वो अगर ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो लोग पतले दुबले हैं, वो अगर कम खाएंगे सो डेफिनेटली उनका वेट और घटेगा, या फिर वो थोड़ा सा मसल गेन नहीं कर पाएंगे। सो हर चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग आपने जब शुरू किया तो पानी से शुरू करें। पानी में आप कुछ भी अपने किचन का डालें, डेफिनेटली कुछ भी डब्बा से नहीं लें। आजकल फिर लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की, और मार्केट में गिलोय जूस, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये सारी चीज़ें हैं। सो कुछ हद तक, क्योंकि आयुर्वेदा से रिलेटेड है और मैं इसको ठीक मानती हूँ, क्योंकि ईजी है। अब हम गिलोय खरीद के उसका जूस तो नहीं बना सकते घर में ना। अब आंवला का जूस बनाना इजी है, तो दैट यू कैन टेक। मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ भी जो ढंग के ब्रांड्स हैं, फिर मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं कुछ प्रमोशन नहीं करना चाहती यहाँ पे, आप उनसे ले सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों के अलावा, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है उनके अलावा, कुछ भी डब्बाबंद चीज़ें आप प्लीज़ अपने ब्रेकफास्ट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में भी शामिल ना करें। ये एक रिक्वेस्ट है, आपके जो किचन से आ रहा है, आपके जो लोकल मार्केट से आ रहा है, लोकल फार्म से आ रहा है, वो चीज़ें ही बहुत अच्छी होती हैं आपके लिए। सो ब्रेकफास्ट और अर्ली मॉर्निंग को मैं यहाँ स्टॉप करूँगी। आगे हम बढ़ेंगे मिड मॉर्निंग और लंच पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपका कुछ भी कमेंट है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी फीडबैक है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वीडियो हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक एंड लंच पे होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। श्रुति।